ये बकेट में मैंने एक होल किया है, फिर ये बकेट के ऊपर रख रही हूँ। रोजाना जो भी फ्रूट्स निकले, रमजान के सारे फ्रूट्स मैंने ऐसे ही लिक्विड फर्टिलाइजर बनाया है। पूरा महीना जो फ्रूट्स आते थे उसके पील्स ये बकेट में डालकर फिर उसके ऊपर बकेट को ये बकेट के ऊपर रख देती हूँ। देखिए ऐसा रखने से ग्रीन बकेट को मैंने नीचे एक होल किया है, उस पर छोटी सी जाली लगा दिया है, फिर उसके ऊपर फ्रूट्स के पील्स डाल रही हूँ। उसके बाद इसका जो भी जूस लिक्विड निकलेगा, देखिए ऐसा लिक्विड निकलता है। ये लिक्विड लेकर एक बड़े बॉटल में भर रही हूँ। वो बॉटल में थोड़ा सा गुड़ डाले तो 20 दिन के बाद ये एंजाइम बन जाता, ये फर्टिलाइजर प्लांट्स के लिए बहुत ही बहुत अच्छा है, क्योंकि ये फर्टिलाइजर से फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और फ्लावर्स भी ये फर्टिलाइजर को 5 ml बड़े बॉटल में 1 लीटर पानी में डालकर इसको स्प्रे करने से झाड़ों की ग्रीनरी ग्रोथ बहुत अच्छी होती है, फ्रूट्स भी ज़्यादा आते हैं और फ्लावर्स भी आते हैं, वेजिटेबल्स भी बहुत अच्छे आते हैं। ये देखिए सारे ब्रिंजाल के प्लांट्स को इतने सारे फ्लावर और फ्रूट आ रहे हैं। देखिए कस्टर्ड एप्पल, मैंने अब तक काफ़ी सारे फ्रूट्स तोड़ लिए हैं। देखिए ये येलो कुकम्बर काफ़ी बड़ा हो गया है, अब उसको भी मैं हार्वेस्ट करूंगी। ये देखिए ये चाइनीज नींबू है, अरे संतरे, देखिए ये स्वीट लैम मौसम भी है। ये देखिए अब तक के काफ़ी सारे पोमोग्रेंट तोड़ चुकी हूँ, ये फिर से नए आए हुए हैं। ये देखिए खरबूजा, ये भी लग रहा है। ये देखिए ये एप्पल बेर, ये भी कितने सारे आए हुए हैं एक ही डाली को। ये
ये सारे यही फर्टिलाइज़र और किचन वेस्ट कंपोस्ट से फ्रूट्स फ्लावर वेजिटेबल्स हर सब ये पूरे अच्छी हो रही ग्रोथ। आप लोग भी ऐसे ही बनाकर देखिए, ट्राई करिए। मैंने किचन कंपोस्ट बनाया सो वीडियो डाला था, सैयदा फातिमा ने कमेंट्स में कहा है कि एक प्लांट में कितना कंपोस्ट डालना चाहिए। तो एक ये बड़े प्लांट है, एक बड़े प्लांट में एक मुट्ठी ऐसा थोड़ा सा उसको मट्टी लूज करके उसमें डालकर फिर डाल देना। ये देखिए ये बड़े बड़े प्लांट है, इसमें एक एक मुट्ठी डालना चाहिए। ये एप्पल बेर का प्लांट है, इसमें भी एक बड़ी मुट्ठी ऐसा डालना चाहिए। छोटे प्लांट्स में आधी मुट्ठी डालना चाहिए। ये देखिए ब्रिंजल ग्रीन कलर में, ये हमेशा लग रहे हैं, इसको हार्वेस्ट कर रही हूँ और आते रहते हैं।